हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। लिखा है कि किसी नंबर में हमने लेट क्या किया, लेट द नंबर एक्स। अपने नंबर क्या लेट किया एक्स। लिखा है कि इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, मतलब इस नंबर के 4 टाइम से। मैंने आपको बताया ना, ठीक, कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसा आपको बोला जा रहा है, जैसे ही आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैसे ही क्या करनी है, स्टेप्स ड्रॉ करनी है। ठीक, तो 4x हो गया। लिखा है इफ 10 बी एडेड, और इसमें क्या करना है, 10 एड भी करना है। ठीक, कह रहा है कि द रिजल्ट इज 5 less than 5 times द नंबर। लिखा है कि जो रिजल्ट होगा, ठीक है, मतलब जिसका 4x plus 10 का, वो क्या होगा, नंबर के 5 times से क्या होगा, 5 less होगा। ठीक है, तो नंबर का 5 times क्या होगा, 5x। ठीक है, और इसको क्या करेगी, जब लेस होगा कौन सा, 4x plus 10, तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, 5 के। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, यहां पर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। 5x माइनस का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, -4x - 10 = 5। कितना आ गया एक्स, 10 जाएगा आरएसएस में, क्या हो जाएगा, प्लस का 10, और 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। मतलब आपका नंबर क्या आ गया, 15। वो नंबर आपका क्या होगा, 15। सॉल्व करके देख लेते हैं इक्वेशन क्या लिखा था, आंसर चेक कर लेते हैं। लिखा है इफ 10 बी एडेड टू 4 times, लिखा है कि आपका नंबर क्या था, 10 को एड करना है 4 times, तो 15 आपका नंबर क्या था, 15 × 4 + 10 कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60, और प्लस 10 कितना हो गया, 70। लिखा है कि ये क्या होगा, 5 less होगा किससे, 5 times है नंबर के, 5 times, 15 × 5 = 75, और 75 से 70 क्या है, 5 less। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा, 15। ठीक है, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 12। लिखा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक क्वेश्चन रीड कर देता हूं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 12 इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, चेक योर सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन भी चेक करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो बोला गया कि आपका कोई 2-digit नंबर है, तो 2-digit नंबर है तो आपने क्या किया, लेट द नंबर इज, लेट द नंबर इज एक्स वाई, ये आपका एक नंबर है, 2-digit है, इसलिए दो आपके वेरिएबल है एक्स एंड वाई। ठीक है, अच्छा, आगे क्या बोला गया कि जो इनका सम है, ठीक है, आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, इक्वेशन ड्रॉ करनी है। लिखा है कि इन दोनों का सम कितना है, 12। जो नंबर्स हैं उनका सम क्या है, 12। अब वो 8-4 भी हो सकती है, 9-3 भी हो सकती है, ठीक है, 6-6 भी हो सकती है। ठीक, तो आपको पता नहीं है क्या नंबर है, बट उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 12। ठीक है, तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जब आप क्या करते हैं, इस नंबर का रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो जब आप इस नंबर का रिवर्स करते हैं तो वो नंबर जो होता है ओरिजिनल नंबर से कितना होता है, 54 ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो अच्छा, जब आप क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे ओरिजिनल नंबर का, तो क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए एक्स वाई है,
ठीक, तो क्या होगा, ये आपका 10 का प्लेस है और ये किसका है 1 का, y किसके प्लेस पे 1 के और x किसके प्लेस पे 10 के, ठीक। तो इसका सम कितना होगा, 10 x प्लस y, ठीक है। लिखा है कि अगर इसका रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने पर क्या आएगा, y x, ठीक है। और रिवर्स वाली जो संख्या है, नंबर है, वो क्या है, ज्यादा है किससे, एक्स वाई से, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 वाई प्लस एक्स, ठीक। और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और ये होगा किसके, इक्वल 54। इतनी बात क्लियर, ठीक। देखो मैंने यहां पर 10 वाई प्लस एक्स क्यों किया, कि आपका कोई नंबर आया क्या 8 और 4, एक्स की जगह पर 8 आया, वाई की जगह 4, तो आपका जो नंबर होगा वो 84 होगा, कि 8 प्लस 4 होगा 84। तो 10 की प्लेस पर जो आपका नंबर 8 है, आप उसमें क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई फिर 4 करेंगे, तभी तो 84 आएगा, ठीक है। सेम मैंने यहां पर किया, जब मैंने y को 10 की प्लेस पर रखा था तो 10 का मल्टीप्लाई किया था, और जब x को 10 की प्लेस पर रखा तो 10 का मल्टीप्लाई x में, ठीक है। तो लिखा था कि ओरिजिनल नंबर से जो आपका रिवर्स वाला नंबर है वो क्या है, ज्यादा है कितना, 54, ठीक। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 10y प्लस x, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 54, ठीक है। तो 10y से माइनस y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9y, और x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 10x, तो माइनस का 9x इक्वल टू 54, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी क्वेश्चन 1 और 2 को क्या करना, सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, और किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का। तो हमने 9 का मल्टीप्लाई यहां पर क्यों किया, क्योंकि हम यहां पर वैल्यू फाइंड करेंगे किसी एक वेरिएबल की, और उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 में, इक्वेशन 1 में, तो अदर वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक। तो देखो 9 का मल्टीप्लाई इसलिए किया, क्योंकि 9x पॉजिटिव का 9x निगेटिव 9x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं कैसे। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो क्या आएगा, 9x प्लस 9y इक्वल टू 108, कब, जब आपने 9 का मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो यह इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो मतलब एड कर दो, एड करेंगे तो यहां पर क्या होगा, 9x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 18y इक्वल टू एड करेंगे कितना, 162, और 18 से 162 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 9। अब y की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस 9 इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। मतलब आपका नंबर क्या होगा, 3 और 9, मतलब 39। सॉल्यूशन चेक करना है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन चेक करने के लिए 39 का रिवर्स कितना होगा, 93, ठीक है। और 93 ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा होगा, 54।